आपकी आवाज मैडम आपका स्वागत करते हैं। आपका मैडम नौचतना महिला समिति बहुत ही शक्ति शाखा का और नौचतना की भी आई हुई ना ये मैडम जी, जी। अच्छा शक्ति शाखा भी आपके जो गोल बाजार में है बहुत ही एक्टिव मानी जाती है, हर काम में आगे रहती है। इसके बारे में बताइए मैडम, इसमें आप लोगों की क्या भूमिका रहेगा? इसमें हम लोग चमरपुर ब्रिज की जो लेडीज लोग आई हैं। आपका नाम क्या है? रश्मि अग्रवाल जी। मैडम मैं अध्यक्ष हूँ शक्ति शाखा से। इसमें हम लोग चमरपुर ब्रिज के जो लेडीज लोग आएंगे, स्पेशली जो बच्चे रहेंगे, मेनली हम उनको गाइड करेंगे। वहाँ जर्सी वगैरह बांटने का काम है और चीफ गेस्ट वगैरह आएंगे तो होस्टिंग का है। हम लोगों का इसमें मेन ये भूमिका है, रिफ्रेशमेंट वगैरह अरेंज करने का, देन ये सब मेनली हमारी भूमिका है, मतलब बैक स्टेज पे हम लोग। जी मैडम, आप लोगों की भूमिका देख रहे कैसा उनको अच्छा से सब सुविधा की जाएगा। तो ये आपके गेस्ट लोग रहेंगे कहाँ मैडम? जैसा ये भी आज शाम को एक मीटिंग होगी, उस पर डिसाइड करेंगे, उसका डिसाइड होगा। थैंक यू मैडम। बोलिए, नवचेतना से आप लोग क्या करना चाहते हैं? शक्ति शाखा ने तो अपनी बातें बताई, आप क्या बताएं? आपका नाम बोलो ना। संतोष अग्रवाल, नवचेतना संघ। मैं यही बोलूँगी कि हम लोग भैया लोग के साथ ही मिलकर सब कुछ कर रहे हैं और वहीं पे जैसे रश्मि ने बताया कि हम लोग वहाँ जाएंगे, बच्चों को देखेंगे वहाँ, उन लोग को जो भी कोचिंग वगैरह देनी होगी वो सब देंगे और तैयारियाँ चल रही हैं बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। या दो दो महिला मिल जाते हैं तो एक से 11 हो जाता है, तो उसमें बहुत ही बड़ा ताकत होता है। अब दो दो महिला समिति मिल चुकी है तो बहुत ही ताकत हो जाएगा। एक नवचेतना हमेशा लोगों को चेताती रहती है, एक शक्ति शाखा हमेशा अपनी शक्ति दिखाती है। वो कहती है हमसे मत टकराओ, हमें जो शक्ति है आप लोग कहीं चले जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, नारी शक्ति देश की शक्ति है। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।